गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं और बस यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो है मंदिर। तो यहाँ पे हमारे घर के पास में ही ये मंदिर है। अभी मंदिर का काम चल रहा है, तो जब पूरा हो जाएगा तब मैं आपको दिखा दूँगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम आ गए हैं वापस, और आपको पता है वापस आकर कितना सारा काम हमें करना पड़ता है। तो पहले मैं आपको फूल दिखा देती हूँ कि जो गुड़हल के फूल है ना, वो दो आ गए हैं। वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये देखो, ये एक है और ये है दूसरा। देखो कितना खूबसूरत है ये फूल। और यहाँ पे भी देखो, ये है कनेर का फूल। कितने सारे फूल आ गए हैं इसको आप देख सकते हो। और यहाँ पे भी ना नए फूल आए हैं। ये जो क्या बोलते हैं, बोगनविला होता है ना, उसको भी बहुत सारे फूल आ गए हैं। इसको भी यहाँ पे देखो नए वाले आ गए हैं। सो जब भी फूल खिलते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। सॉरी, बैकग्राउंड में जो ट्रेन की आवाज़ है वो आपको सुनाई देगी। तो ये देखो, ये केले लाए हैं, तभी मैं खाना बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे देखो, इस किचन के विंडो से देखो फूल दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है किचन में, किचन से अगर बीच बीच में ना मैं फूलों को भी देख लेती हूँ। तो अभी मैं लंच का देख लेने वाली हूँ। मैं फटाफट से ना लंच का बना देती हूँ और बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। गांव से इतने सारे जो काजू होते हैं ना वो ला गए हैं। जो पूरे अखे जो काजू होते हैं ना, मतलब एकदम, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये इस तरह के जो काजू होते हैं ना, पूरे जो होते हैं ना वो लाए हैं। तो इनको जो कटिंग करना होता है ना, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मतलब सबको नहीं आता कटिंग करना। तो अभी मैंने यहाँ पे कुकर को जो दाल होती है ना वो लगा दी है। और अभी मैं मेथी की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो मेथी है ना वो मैं कट करके दूंगी। जो मैंने दाल बनाई है ना, वो एकदम सिंपल सी दाल बनाई है। उसमें मैंने वाटन वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाला है। मैं उसमें सिर्फ ये जो कोकोनट है ना, यही मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आपको दाल जल्दी बनानी है ना, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। वाटन डालने की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं हो पाती। तो यहाँ पे जो मेथी की सब्जी है ना, वो भी हो गई है। और इधर ये जो दाल है वो भी बन गई है। और यहाँ पे मैंने अभी कुकर भी लगा दिया है। तो यहाँ पे जो लंच का था ना, वो मैंने बना दिया है। फटाफट से ही बना दिया, सिंपल ही बनाया है आज, क्योंकि मेरे पास और टाइम भी नहीं है। और मुझे एडिटिंग भी करना है वीडियो का, तो इसलिए अभी मैं एडिटिंग करूँगी और बस मैं बाद में आपसे मिल लेती हूँ। तो अभी आपने देखा ना कि मंकी कैसे आ गए थे यहाँ पे, मतलब ऊपर तक चढ़ रहे थे। थैंक गॉड कि मैंने उनको देखा नहीं, तो क्या हुआ था कि मेरा जो हॉल का जो बालकनी का डोर है ना, वो मैंने ओपन ही रख दिया था। और से आवाज़ आ रही थी यहाँ से, ये जो है ना, यहाँ से वो चल के जा रहे थे और चल के बाहर से जाए, तो आवाज़ ऐसी आ रही थी। तो मुझे पता नहीं चल पा रहा था आवाज़ कैसे आ रही है। बाहर तो बारिश वगैरह तो नहीं हो रही है, बट आवाज़ कैसे आ रही, इसलिए देखने के लिए चली गई। तो ये मंकी जा रहे, दो या तीन मंकी थे। एक ऊपर था, टेरेस पर था एक, और वो दो ना मंकी नीचे थे यहाँ पे। तो
आपको मैंने दिखा दिया वैसे, और पहले ना दिखा दिया और उसके बाद जो ड्यूअर्स विंडोज़ वगैरह थी ना वो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि वो अंदर भी आ सकते थे, अगर नहीं देखती ना तो वो दोनों भी अंदर आते घर में और पता नहीं क्या क्या लेकर चले जाते। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गांव में ही मंकी होते हैं, बट नहीं, सिटी में भी मंकी आ जाते हैं। वैसे उनको जंगल में उतना खाने के लिए नहीं मिलता है ना, तो वो ऐसे ही जहाँ पे लोग रहते हैं ना वहीं पे आ जाते हैं। वैसे ना हमारे यहाँ पे भी ना, जो मैंने पिछली बार आपको दिखाया था ना जो सब्जी की खेती वहाँ पे की गई है, तो वहीं पे भी ना मंकी बहुत सारे आते हैं और वो वहाँ पे ना बहुत ही नुकसान कर रहे हैं। वहाँ पे जो सब्जियाँ मतलब कुछ आ गई थी ना उनको मतलब खाकर उनका पूरा नुकसान कर दिया है। तो इसलिए ना हमारे मतलब हमारे पापा और भी कुछ लोग हैं वो वहाँ पे ना दो मतलब दिन भर वहीं पे रहते हैं। मतलब अगर मंकी आ जाए तो उनको मतलब हटाना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए वह वहीं पे वो रहते हैं। मुझे तो पहले डर लग रहा था क्योंकि ये जो मंकी होते हैं ना वो मतलब कुछ लोगों को मतलब डरते नहीं है, बिल्कुल भी डरते नहीं है ऐसे, मतलब उनको कितना भी भगाने की कोशिश करो वैसे वहाँ पे ही रहेंगे। तो थैंक गॉड कि वो चले गए, क्योंकि वहाँ पे जो जिनके विंडो पर वो वहाँ पे गए थे, पता नहीं उन्होंने क्या मतलब उनके अंदर ना घुसने के लिए मतलब अंदर जाने के लिए उनकी कोशिश चल रही थी, बट वो लोग वहाँ पे आ गए और उनको भगा दिया। तो वो चले गए ऊपर टेरेस पर चले गए और बाद में पता नहीं कहाँ पे चले गए, क्योंकि मैंने पूरा डोर्स और विंडो बंद कर दी गए। और मैं तो अभी मतलब उस वक्त मैं एडिटिंग ही काम कर रही थी और आवाज़ आ गई इसलिए चली गई। तो अच्छे से हवा आ रही है बाहर से, ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है वैसे। और दोपहर के थोड़े से ना बर्तन भी है, थोड़े से मैंने धो लिए थे बट थोड़े से बाकी है तो अभी वो धो लूँगी और बस बाद में आपसे मिलती हूँ। देखो हवा भी कैसे आ रही है अच्छे से, बहुत ही अच्छा लगता है। और हाँ, मैं आपको दिखाना भूल गई थी, सामने आपको दिखाई देगा जैकफ्रूट का पेड़ है और वहाँ पर जैकफ्रूट भी लगे हैं। ये देखो ये इस तरह से जैकफ्रूट है और यहाँ पे भी जैकफ्रूट लग गए हैं। अभी ना मैंने यहाँ पे कपड़े जो थे ना वो चेंज किए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि मुझसे वो ड्रेस में ना बिल्कुल भी मतलब और भी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं चेंज ही कर लेती हूँ। और जो आज मैंने जो टॉप पहना था ना वो वाला, वो मुझे 250 में ही मिला है और कल मैंने आपको दिखा ही दिया है, वो चारों टॉप मैंने दिखा दिए कि मुझे वो 250 में मिले थे। बहुत सारे मतलब लोगों के कमेंट आए थे कि 250 में कैसे मतलब कहाँ से दिए वगैरह, तो वो मैंने लोकल मार्केट से ही लिए, यहाँ पर जो लोकल मार्केट है ना वहाँ से ही मैंने लिए थे। तो अभी मुझे पता नहीं है कि और कहाँ पे ऐसे टॉप्स मिलते होंगे या नहीं, बट यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो लोकल मार्केट है ना वो वहाँ पे ना बहुत सारे शॉप्स में 250 में ड्रेस मिल रहे थे वैसे वाले। चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा काम भी है। वैसे यहाँ पे देखो ये जो बैग है ना जो मैंने गाँव को लेकर गई थी, उस बैग में मैंने बहुत सारा कुछ के लिए सामान लेकर गई थी, तो वही निकालना है मुझे क्योंकि सुबह में जो उतना टाइम भी नहीं मिल पाया तो नहीं निकाला था, तो अभी मैं निकाल दूँगी। और वहाँ पे उस चेयर पर मेरे वो जो चेयर है ना उस पर भी कपड़े पड़े हैं, उनको भी मुझे ठीक से रखना है, तो अभी वही काम कर लेती हूँ। गाँव से लेकर ना मैं यहाँ पे थोड़ी साड़ियाँ लेकर आई हूँ, वैसे और भी साड़ियाँ हैं वहाँ पे बट वो सारी साड़ियाँ तो मैं यहाँ पे लेकर नहीं आ सकती, तो थोड़ी सी साड़ियाँ लेकर आई हूँ, चार साड़ियाँ लेकर आई हूँ। तो ये वाली एक है, ये ऐसी है, ये ब्लाउज गिर गया, ये जो साड़ी है ना ये मेरे एंगेजमेंट की साड़ी है जो लड़के की तरफ से दी जाती है ना, मतलब हस्बैंड की तरफ से दी जाती है, तो ये वाली साड़ी है। और ये दूसरी साड़ी है, ये भी एंगेजमेंट की साड़ी है, हमारे यहाँ पे एंगेजमेंट में ना दो साड़ियाँ पहनी जाती है, मतलब एक मायके की तरफ से होती है, ये वाली मायके की साड़ी होती है साड़ी की, और ये वाली ससुराल की तरफ से साड़ी की। ये दो साड़ियाँ मैं वहाँ से लेकर आ गई हूँ, और उसके बाद ये वाली एक साड़ी है ये भी लेकर आ गई मैं, ये कॉटन में है इस तरह से,
ये देखो ये ऐसी वाली है, इसके ब्लाउज ना नीचे गिर रहे हैं वैसे। और ये एक साड़ी लेकर आ गई, एक मिनट। ओके ये वाली इस तरह की ऑरेंज कलर में, इस पर पूरा वर्क वगैरह है। तो ये वाली साड़ी, तो ये चार साड़ियाँ वैसे मैं लेकर आ गई, और भी साड़ियाँ थी बट नहीं उतना, मतलब उतना लाया मतलब नहीं ला पाई मैं। तो इन्हीं साड़ियों को अभी कैसे रखूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा जो कबर्ड है ना वो पूरा भर गया है। तो आई थिंक मुझे पता नहीं चल पा रहा है मैं इसको कैसे रखूँगी, बस ऐसे ही है। तो आज डिनर में बनने वाला है चिकन, तो इसलिए राज ने यहाँ पे चिकन लाया है और चिकन वही बना रहा है। मैं सिर्फ यहाँ पे जो राइस है और भाकरी है वो मैं बनाने वाली हूँ। और चिकन में ना ये जो हरे काजूगर होते हैं ना, जो ग्रीन काजूगर होते हैं वही डालने वाले हैं। तो इसलिए इस काजूगर को हमने बॉयल करके लिया है, क्योंकि बॉयल करके ही ना इसके ऊपर का कवर जो होता है ना वो अच्छे से निकल जाता है, मतलब जल्दी में निकल जाता है, इसलिए हम पहले इसको बॉईल करके ही लेते हैं। तो बस ये चिकन हो जाएगा और उसके बाद हम खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमारी जो चिकन थाली है वो भी रेडी हो रही है। तो बस इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ, तो मिलते हैं करके व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।